भारी कांग्रेस को सता रहा है दल बदल का डर, और दल बदल के डर से पार्टी ने एक नई रणनीति बदली है। 66 सीटों पर कांग्रेस ने बदली है रणनीति। 66 सीटों पर कांग्रेस पहले घोषित नहीं करेगी प्रत्याशी, और पहले अगस्त के दूसरे महीने में लिस्ट जारी होनी थी। लगातार हारी हुई 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह ने दौरा किया है, और दौरे के बाद कमलनाथ को सौंपी गई थी रिपोर्ट। लेकिन इसके बावजूद देखिए किस तरीके से फूंक फूंक कर यहाँ पे कदम बढ़ा रही है कांग्रेस। इस बार कोई भी चूक नहीं बरतना चाह रही है, कोई भी गलती ना हो इसके लिए देखिए पूरी एहतियात के साथ किस तरीके से रणनीति भी बदली जा रही है। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, ये वही 66 सीटें हैं जहां पर दिग्विजय सिंह गए थे, दौरा किया था, फिर रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कांग्रेस, इसीलिए रणनीति भी बदली गई है। बिल्कुल दीपिका, आप सही कह रही हैं। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी कि 15 अगस्त के आसपास टिकट का ऐलान कर दिया जाएगा 67 सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस ये सीटें 4 बार 5 बार 6 बार से हारी, कई सीटें तो कांग्रेस 2-2 3-3 दशक से हार रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई थी दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह इस 67 सीटों पर बाकायदा प्लान बनाकर पहुंचे, वहां पर मंडलम सेक्टर और कौन कौन प्रत्याशी जिताऊ हो सकता है इसको लेकर वहां पर मंथन और रणनीति बनाते हुए नजर आए थे, और वो रिपोर्ट उन्होंने कमलनाथ को सौंपी थी। और उसके बाद रिपोर्ट सौंपने के बाद कांग्रेस के जो कमलनाथ के करीबी नेता हैं जैसे सज्जन सिंह वर्मा और दूसरे जो करीबी नेता जिनको किचन कैबिनेट कहा जाता है कमलनाथ का, उन नेताओं का बयान सामने आया था कि अगस्त के पहले पखवाड़े में 67 सीटों पर हम उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। लेकिन अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं दीपिका, वो कांग्रेस ने अपनी रणनीति अपनी प्लानिंग बदली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कांग्रेस को इन इलाकों में दल बदल का डर है, क्योंकि कांग्रेस को रिपोर्ट मिली है कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी अगर ऐलान होते हैं तो वो बीजेपी के दबाव में या बीजेपी किसी रणनीति के तहत उनको अपने अंदर शामिल करवा सकती है, क्योंकि पहले भी हो चुका है। 2014 में भिंड से भागीरथ प्रसाद को टिकट दिया गया था और टिकट देने के बाद वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और अब जो चीजें निकल कर सामने आ रही कि अब जब तारीखों का ऐलान होगा उसी के बाद टिकट का ऐलान किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये चीजें निकल कर सामने आ रही कि कांग्रेस को भीतरघात और गुटबाजी का पार्टी के अंदर भी डर है। तो कुल मिलाकर शब्बीर ये माना जाए कि पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ रही है कांग्रेस अब। बिल्कुल दीपिका, पुरानी चीजें जितनी भी कांग्रेस के अंदर दिक्कतें थी या फिर कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था, उन तमाम चीज़ों को कांग्रेस पहले ही दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ ये हो गई जो मैं बता रहा था कि कांग्रेस किसी भी तरीके का अब दल बदल का खतरा नहीं लेना चाहती। एक चीज़ ये कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ना हो, भीतरघात ना हो, क्योंकि भले ही ये 67 सीटें कांग्रेस लंबे समय से हार रही, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं वहाँ पर 2-3 दावेदार हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भोपाल की गोविंदपुरा सीट की बात करें, कांग्रेस यहाँ पर 3 दशक से ज़्यादा से समय से कांग्रेस ये सीट हार रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बात की जाए तो 3 नेता वहाँ पर जुटे हुए हैं और उनकी कोशिश ये है कि वहाँ पर टिकट उनको मिले। तो लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली, और रणनीति ये बदली है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसी के बाद ही उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे इन 67 सीटों पर भी। ठीक है शब्बीर, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए